बुक है ना ये रामायण बुक, हाँ ये दुनिया की सबसे बड़ी बुक है रामायण। अच्छा। दुनिया के कहीं से भी चल लो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी है ये। अच्छा। हाँ और ये गोल्ड प्लेटेड है, ये जो गोल्ड गोल्ड दिख रहा है ना वो पूरा गोल्ड है, रियल गोल्ड। अच्छा वो रियल गोल्ड है। और कुछ पता है? हाँ बताओ। ये इस ये ना क्या नाम है, मुझे तो अंदर से देखना था। चलो होंगे बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। और ये हम आ चुके हैं कृष्ण राधे जी के मंदिर, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, ये स्पीचलेस होता है। हम क्या इनके बारे में किस शब्दों में बयां करें ये हमें खुद ही नहीं पता चलता। बस ऐसा लगता है कि जब हम इस जगह आ जाते हैं तो बस ऐसा ही लगता है कि बस हम देखते रहे, निहारते रहे और बस खो जाए। इस पेड़ के नीचे हम बैठे हुए हैं, इस पेड़ के नीचे नींबू लगे हुए ये पक्के नींबू है, नींबू सच्ची में। हाँ। मैं तोड़ के खाई। अच्छा वो जो मोशी लाई नहीं थे छोटे छोटे, हाँ खाया था मैंने। सही में अच्छे रहते हैं, मैंने तो खाया है, मैंने भी खाया। मेरा भी ले ले, एक और मेरे लिए। वाह चलो खा के देखते हैं, इसे खा के देखते हैं सच में रियल में मौसमी है ये। तो ये है इसके अंदर ब्लैक ब्लैक है, ये देखो तोड़ के, नहीं तो अगर मौसम यार इस लड़की ने सही में पागल बनाया हमें। बोल रही थी कितने सुंदर अच्छे अच्छे, और इतना अच्छा लाया लाइफ में नहीं चला होगा हमने। अरे नहीं मतलब अंदर कुछ तो होगा। यहाँ पर हमने अपने शूज जितने भी थे, सबने जितने भी स्लीपर शूज पैक वगैरह पहने थे हमने यहाँ पर जमा कर दिए। एंड इसके बाद यहाँ पर पानी की पूरी सुविधा थी, नल लगे हुए थे। यहाँ पर हमने अपने हैंड वॉश करे एंड अपने पैरों को अच्छे से धोया और उसके बाद हम आगे बढ़े। इसके बारे में मैं आपको आगे जितना भी बताऊँ उतना कम है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत कह लीजिए कि मतलब हमें जो यहाँ का मंदिर है, हमें मतलब ये कालका जी मंदिर के पास है, लोटस टेम्पल है वहाँ पर, ये सारे लोटस टेम्पल, कालका जी मंदिर और ये कृष्ण राधे जी का मंदिर ये आसपास ही पड़ते हैं। अब आप ज़रूर एक बार यहाँ पर आइएगा और ज़रूर देख के जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब स्पीचलेस है। मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं इनको मतलब शब्दों में बयां कर सकूँ। अगर हमने दिल्ली में रह करके ये सब मंदिर नहीं देखा तो क्या देखा यार। मतलब होता है ना हमें थोड़ा सा लेज़ी होता है बाहर निकलने के लिए, हमें इतनी धूप में कैसे निकले, बट ये जो धूप से तपते हुए हम यहाँ पर आए हैं ना, हमारा पूरे हम तृप्त हो गए हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत मंदिर आप देख सकते हैं। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी और आप इस खूबसूरत मंदिर को देख के आनंद लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है, आप देखिए और आनंद लीजिए। इनका कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया गया है और एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।
एंड यहाँ से बाहर निकलते वक्त यहाँ पर चरणामृत का प्रसाद मिलेगा, तो इसे हम ग्रहण करते हैं सारे और फिर इसके बाद बाहर निकलते हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम यहाँ से कहाँ गए घूमने, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, जय माता दी।